उज्जैन के माधवनगर अस्पताल में मरीजों को इलाज न मिलने और अव्यवस्थाओं की खबरें तो लगातार सामने आ ही रही हैं, लेकिन अब तो यहाँ महिलाओं से छेड़छाड़ और मारपीट की घटनाएं भी होने लगी हैं। माधवनगर अस्पताल की ओपीडी में 3 नंबर की खिड़की पर दवा वितरण करने वाली महिला कर्मचारी ममता निगम ने कंपाउंडर अनोखीलाल मदावत पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया है। मंगलवार सुबह लगभग 11:30 बजे ममता किसी मरीज को ऑक्सीजन लगाकर हाथ सैनिटाइज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में पहुंची, तो पहले तो मदावत ने उसका हाथ पकड़ा और विरोध करने पर ममता को 3-4 चाटे मारे और हाथ पकड़कर मोड़ दिया। घटना के बाद ममता माधवनगर थाने पहुंची, जहां से उसे मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। ममता ने कोर्ट पहुंचकर अपने बयान भी दर्ज कराए हैं। ममता ने बताया कि उसने अनोखीलाल मदावत की शिकायत पहले भी प्रभारी अधिकारी को की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं माधवनगर हॉस्पिटल कोविड में आया कि फर्स्ट चतुर्श्रेणी में हूँ और मेरी 3 नंबर दवा विवरण में मेरी ड्यूटी है वहाँ पर। तो आज मैं जब सुबह वहाँ ड्यूटी कर रही थी तो मैं 5 नंबर ओपीडी में पेशेंट को ऑक्सीजन लगाने चली गई। फिर मैंने सोचा पानी पी लेती, मैंने जब सैनिटाइजर लिया और पानी पी के मैं जब दोबारा 5 नंबर पे गई तो वहाँ से बोतल अनोखीलाल मदावत ने वो बोतल उठा के और अपने साइड में उस साइड रख ली डिब्बे के अंदर। मैंने कहा बोतल नहीं दिख रही, तो मैंने कहा अच्छा उधर पड़ी है। तो मैं जब बोतल लेने गई तो वो मदावत भैया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने जब उसका विरोध किया, मैंने कहा भैया आप ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, तो वो मुझे अश्लीलता गाली गुप्ता करके और मुझसे बोलने लगे तू मेरा कहना नहीं सुनेगी तो यहाँ पर मत आया कर, यहाँ ड्यूटी नहीं है तेरी, ऐसा कहने लगे। मैंने कहा मेरी ड्यूटी यही है और मैं तो यहीं पर आऊँगी। तो उन्होंने मुझे गाल पे 2-3 चाटे मार के और मेरा राइट हैंड का हाथ उन्होंने मोड़ दिया। इसके पहले अभी 2-3 दिन पहले मैंने डॉक्टर प्रभारी अधिकारी जो कुमरावत सर हैं, मैंने उनको सूचना दी थी सर ये यहाँ पर इस तरीके की मुझसे बातें करता है और ये यहाँ सामान नहीं रखने देता और बोलता कि तू मेरा कहना यहाँ मत आया कर, मैं कहाँ जाऊँगी। तो सर ने कहा कि ठीक है मैं एक्शन लूँगा। ये 3-4 दिन पहले की बात हो गई, लेकिन आज तो उसने बहुत हती कर दी है। मैंने माधवनगर थाने में आकर फिर यहाँ पर रिपोर्ट उसकी शिकायत कर दी है।